हेलो। कौशिक, हाय, मैं मनोज का नहीं कजिन बोल रहा हूँ। मैं मासी का लड़का हूँ बड़ा। बोलिए। कौशिक, ये बताएंगे, मनोज के साथ अभी आप 2-3 दिन पहले कहीं बाइक वाइक पे गए थे क्या? मेरे ख्याल से मेरे को थोड़ी टेंशन में लग रहा है, कहीं बाइक वाइक पे गए थे? वो एक्चुअली एक रेड लाइट पार कर दी थी हमने। नहीं मनोज थोड़ा ना डरा हुआ है, उसने मेरे से कहा है अभी भी बात करने की हिम्मत नहीं नहीं कर मैं रहा। परेशान हो गया, समझा समझा के मनोज को कि कुछ नहीं होगा यार, मैं हूँ यहाँ पे, मैं ऐसे प्लान कितने पार करता रहता हूँ हमेशा। मैं नहीं, वो ये कह रहा है कहीं ऐसा ना हो कल को पुलिस वारंट निकाल दे या क्या कोई होगा, जेल वेल हो इन जाए। बात जानता हूँ यार, मैंने किसी मर्डर किया गया, उसने सिर्फ रेड लाइट पार किए, 500 चलाना दे कह दे। रहा था कोई चक्कर वक्कर तो नहीं पड़ेगा ना, क्योंकि बेचारा एक तो दिनेश घबरा मत बहुत रहा रखो है यार, यार। दिल्ली का सब कुछ जानता हूँ, जग मार रहा हूँ, बैठ गए हैं, भाई है तो क्यों परेशान हो रहा है यार। नहीं, वो मसला पुलिस वालों का है ना, वो भी डर रहा है भाई। डर भी अरे ठीक है, पुलिस वाले क्या है, दिनेश जानते हो आप, कुछ नहीं होगा, सब जानते हैं, आप मैं जानते नहीं है, मनोज जानता अच्छी तरह मुझे कि मेरी क्या वहाँ रेपुटेशन, मेरी पुलिस वाले मुझे खुद सैल्यूट मारते हैं वहाँ जाके, वो सब आपको जानता है मुझे, सब जानते हैं, अपनी जान दे, मनोज अच्छे से जानता है मेरे बारे में, सारे हाँ ये तो पुलिस है। वाले सैल्यूट मारते हैं मुझे। हेलो, आया कौशिक, 1 सेकंड होल्ड करना सर, बंदूक हटाइए मेरे सर पे से। बात करते मेरे को। हेलो, हाँ भाई, हाँ जी, हाँ भाई, ये मनोज को डाल अंदर, बयान तो सारा मिल गया फोन पे। नहीं, दिनेश सुन मेरी बात सुन, ये दिनेश को कुछ समझा रहा था, फोन लाइन पे है, ये हेलो, असली है, वो तो इसके पीछे बैठा दिनेश था। हट जा सर, बिदराजा, कैसे करे सारे भाई ऐसे पाल रखे हैं, ये भाई के दोस्तों से बात है। हाँ मौसी, दिनेश बात सुनो, आप समझाना मनोज को, देखो हमने क्राइम तो किया है, रूल तो तोड़ा है हमने, खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। पुलिस वालों को सब करनी चाहिए, वो तो चलान देना ही पड़ेगा हमें, वो हम भाग गए, गलती हमारी थी, वो तो माफी मांगनी पड़ेगी पुलिस वालों से हमने। मैं सिर्फ यही कहना चाह रहा हूँ, तो मनोज को आप ये समझाना मनोज, मतलब वो भी ड्यूटी कर रहे हैं बेचारे, जो भी है हमने रूल तोड़ा है तो हमें चलान भरना ही पड़ेगा। विवेक जी नमस्कार, से बोल रहा हूँ सर, आपकी ये कंप्लेंट थी, आपके सिग्नल विग्नल जा रहे थे, हमें एप्लीकेशन भी मिली थी आपकी। घर पे सिग्नल बिल्कुल नहीं आते मुझे, रूम से बाहर का मैं, ये मुझे घर से बाहर आना पड़ता है। सर अभी तो बिल्कुल सही बात हो रही है, सिग्नल तो कोई नहीं जा रही है यार, मैं तुमसे बता रहा हूँ ना भाई साहब, ऑफिस में मेरे सही आते हैं, घर पे सही नहीं आते हैं। ये कमांड देंगे, आप कहीं भी चले जाएं, बेसमेंट में चले जाएं या ऊपर चले जाएं, कहीं भी आपको सिग्नल की प्रॉब्लम ही नहीं आ सकती सर कभी। क्या कमांड है बताओ सर? अपने मोबाइल की पे दबाओ, उसके बाद ब्लूटूथ आके तो बार हैश की दोबारा दबा देना। अब तो यहाँ भी जा रहे हैं सिग्नल, एक मिनट रुक जाओ, मैं तो बाहर आ जाऊँ। हाँ सर, हाँ बाहर आ जाइए, क्योंकि सिग्नल हो सकता है वहाँ भी जा रहे हो ना, प्रॉब्लम हो जाती है। हाँ बोलो। सर अपने मोबाइल की पे दबाओ, उसके बाद ब्लूटूथ हो गई दबाना, बाद ट्रिपल आके ना तो बार हैश की दोबारा दबा देना। जब तू ये बोलता है ना, जब भी सिग्नल जाते हैं मुझे पता नहीं क्या हो रहा है। सर 1 सेकंड, मैं इधर हो जाता हूँ ना, मैं चेयर इधर कर लेता हूँ, रुकिए। अपने मोबाइल की पे दबाना, बाद हो गई ट्रिपल आके ना तो बार हैश की दोबारा दबा देना। बस ये कर लीजिए सर, आपका काम हो गया। सही तरह कनेक्शन।